2020 बस खत्म होने में कुछ दिन बाकी हैं, तो उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि जाने अनजाने में मैंने अगर किसी का दिल दुखाया तो मुझे माफ कर देना। मुझे बखूबी अफसोस है कि 2021 में अगर मेरी किसी से बात ना हो पाए तो समझ लेना कि मैंने अपनी जिंदगी की थोड़ी सी सफाई की है और जितना कूड़ा था बाहर निकाल दिया। इस साल ने मुझे बहुत कुछ दिखाया और सिखाया, वो सब कुछ मैं देखना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी सीखने की जरूरत थी। बहुत कुछ खोया और पाया खुद को, जो गए वो कुछ न कुछ सिखा के गए और जो हैं महरे रब की। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो थे मेरे संग और फिर भी मुंह मोड़ गए। शायद तुमने सिखाया कि भरोसा जरूर करो लेकिन आंख बंद करके नहीं, जो आए थे कई वर्षों और आज भी साथ हैं। वैसे तो मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कितना प्यार मैं उनसे करता हूं। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी कोई GF या BF हो, प्यार का मतलब होता है कि कोई स्पेशल हो जिसकी आप फिक्र हो और जिसे आपकी फिक्र हो। प्यार आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता है, बस थोड़ा सा आपका वक्त चाहता है, थोड़ी सी लॉयल्टी चाहता है जिससे आप कभी भी झूठ ना बोलो, थोड़ी सी डेडिकेशन चाहता है। प्यार सब कुछ आपसे शेयर करना चाहता है, सब कुछ बताना चाहता है। प्यार आपसे कुछ कहना चाहता है, पूरे दिन नहीं बल्कि पूरे दिन का कुछ पल चाहता है। बस यही प्यार है। प्यार आपकी खुशियां चाहता है, जो अपने लिए नहीं अपने प्यार के लिए सब कुछ चाहता है। बस यही प्यार है। नया साल आपके जीवन में सारे दुखों को मार दे और सारे सुखों को जन्म दे और आपको उन्नत की ओर ले जाए। हर साल आता है, हर साल जाता है, आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। आप अच्छे काम करते रहिए, आपका कोई साथ दे या ना दे, लोग आपकी तारीफ करें या ना करें, ये जनवरी सपने दिखाती है और दिसंबर आईना दिखाता है। मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आपके सारे सपने सच हों।